अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से डाउनलोडिंग कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम की वीडियोस को, और वो भी अपनी गैलरी में इसको सेव कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, हम जब से ये यूट्यूब को ओपन करते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रही थी, यहाँ पर डाउनलोडिंग की ऑप्शन है, और वो भी आपकी यूट्यूब की गैलरी में होगी, आपकी गैलरी में नहीं होगी, मोबाइल की गैलरी में नहीं डाउनलोड होगा। या आपके पास डिफरेंट वेज होते थे कि आप शेयर पे क्लिक करते थे और फिर कॉपी लिंक करके गूगल पे सर्च करते थे, इस तरीके से आप डाउनलोडिंग करते थे, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐप है स्नैपट्यूब का, उसके ज़रिए हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे परमानेंट मेम्बर बन जाएँ। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया तो आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम स्नैपट्यूब को ओपन करते हैं। इस तरीके से ही हमारे पास ओपन हो जाएगा। देखिए, हमारे पास डाउनलोडिंग की ऑप्शन भी आ रही है और शेयर करने की भी। तो आप जैसे इसको हम क्लिक करेंगे, इसमें डाउनलोडिंग की ऑप्शन, शेयर की ऑप्शन है, तो डाउनलोड जब हम करेंगे तो वो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं, होम पे क्लिक करते हैं, देखें यहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरीके से व्हाट्सएप, व्यू ऑल साइट्स जितनी भी हैं वहाँ से हम डाउनलोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप का किसी का स्टेटस आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको कहते थे प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो। अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं है किसी से, आप जस्ट व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और वहाँ से आप स्टेटस को डाउनलोड कर लेंगे और आपकी गैलरी में हो जाएगा, और आप आके भी शेयर खुद ही कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्नैपट्यूब की बात करें तो हमें प्ले स्टोर पे हम ओपन करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं, मैंने सर्च किया स्नैपट्यूब, तो हमारे पास कितने ज़्यादा डाउनलोडर हैं, जो हमें नहीं समझ आ रहा कि कौन सा ओपन करें। इसमें कुछ एमबी में ज़्यादा हैं, कुछ की रेटिंग ज़्यादा है, जैसे कि ये है 1 मिलियन प्लस है इसकी डाउनलोडर हैं, और इस तरीके से 7.5 MB का है, और रिव्यूज़ देखें इसके कितने हैं। तो इस तरीके से अब आपको समझ नहीं आएगा कि आप ओरिजिनल कौन सा स्नैपट्यूब यूज़ करें। स्नैपट्यूब तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, बस यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है ट्यूब वीडियो डाउनलोडर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमें गूगल पे सर्च करना होगा स्नैपट्यूब। तो फर्स्ट वाले को हम ओपन करते हैं। तो हमारे पास ये स्नैपट्यूब के नाम से ओपन हो चुका है। अब हम इसको ओपन, स्नैपट्यूब डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको ओपन करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये पेज आएगा और हमने सिर्फ डाउनलोड की ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। ये देखिए, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो है आपके लिए, आपके मोबाइल के लिए नहीं सही, दिस टाइप ऑफ फाइल कैन हार्म योर डिवाइस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और ये आपके हो जाएगा। अगर आपके नहीं ओपन हो रहा या डाउनलोडिंग नहीं हो रही, तो आप प्ले स्टोर से अननोन होती हैं सर्विसेज, उनको अलाउ कर दीजिएगा, फिर ये हो जाएगा डाउनलोड। तो हम ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे मेरे पास डाउनलोड है, तो इसलिए ये देखें इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। मेरे पास है इसलिए मैं नहीं करूँगी, इसको मैं कैंसिल कर दूँगी। रीस्टार्ट भी डाउनलोडिंग का आ रहा है, तो मुझे इसकी बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ऐप है, आपको किसी और ऐप की ज़रूरत नहीं है, किसी और उसका नहीं है मसला। आपने जस्ट स्नैपट्यूब को ओपन करना है और यहाँ से आपको जो चाहिए होगा आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।